हे हेलो एवरीवन, एक बार की बात है दोस्तों, ग्रीक के एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर जिन्हें काफी सारे लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी मानते थे, जिनका नाम था दोस्तों सोक्रेटिस। इनसे एक सवाल पूछा गया कि सारी दुनिया आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानती है, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है अपने आप के बारे में, आप ऐसा क्या है जिसके कारण आप इतने ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं या इतने बड़े आप फिलोसोफर माने जाते हैं। दोस्तों सोक्रेटिस तो सोक्रेटिस थे, वो जवाब देते हैं, मैं साल में एक आध बार सोच लेता हूँ। उन्होंने जवाब क्या दिया, मैं साल में एक आध बार सोच लेता हूं। जब उन्होंने ये जवाब दिया तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए, वो क्रॉस क्वेश्चन उनसे पूछने लगे कि सर आप अगर साल में एक आध बार अगर सोचते हो तो एक नॉर्मल इंसान के बारे में क्या कहना, वो साल में कब सोचता होगा। तो दोस्तों सोक्रेटिस जो थे वो जवाब देते हैं, एक नॉर्मल इंसान जो होता है पूरी जिंदगी में एक आध बार तब सोचता है जब वो मौत के कगार पर होता है और वो सोचता है क्या मैं इससे बेहतर जी सकता था, क्या इससे बेहतर जीने का विकल्प मेरे पास था। राइट दोस्तों, बात आपको समझ में आ गई होगी। आज जिस चीज के ऊपर मैं आपको बात करने वाला हूँ, ये एक किताब है दोस्तों, ये किताब मैंने पढ़ी हुई है। वैसे जब ये किताब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी इसमें की बहुत सी बातें हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे संतों द्वारा हमारे गुरुओं द्वारा हमको समय समय पर कई बार पढ़ाई जाती है, हमको सिखाई जाती है। बस हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को भूल जाते हैं। जिस किताब के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये किताब है दोस्तों द फाइव रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, मतलब मरने से पहले कोई भी जो इंसान होता है वो ऐसी कौन सी पांच बातें हैं या तो कौन से पांच पछतावे हैं जिनके बारे में सोचता है। वैसे ये किताब जो है दोस्तों, ये किताब लिखी गई है एक लेखिका के द्वारा। उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये जो लेखिका है जिनका नाम है ब्राउनी वायर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी, एक हॉस्पिटल में वो एज ए नर्स का काम किया करती थी, और उनके यहां पर चाहे किसी भी प्रोफेशन वाले कोई पेशेंट्स आते हो, उनको पता चला जैसे जैसे उनके जिंदगी के बारे में उन्होंने जानना शुरू किया तो उनको एक बात स्पेशली पता चली कि चाहे इनके प्रोफेशन कोई भी हो, इनको बीमारियां कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसे कुछ पछतावे हैं जो जितने भी कोई पेशेंट्स हैं उनमें कॉमन है। तो उन्होंने क्या किए, जितने भी कोई पछतावों का लिस्ट था, मतलब जितने भी कोई इनको प्रॉब्लम पता चले, मतलब जितने भी कोई लोग मौत के कगार पर होते हैं और उन्हें लगता है कि काश मेरे जिंदगी में ऐसा हुआ होता, तो काश मैं किसी अच्छे पार्टनर के साथ में रह रहा होता, काश मेरे पास में पैसा होता, काश मैं बेहतर जिंदगी जी पाता, काश मैं किसी को थैंक यू कह पाता, या तो फिर काश मैं किसी को सॉरी बोल पाता, मतलब जो भी कोई उनके रिग्रेट्स थे उन्होंने क्या किए, वो जो भी कोई उनके पछतावे थे उनको कंबाइन किया, तो उनको पता चला कि नॉर्मली किसी इंसान के ऐसे पांच पछतावे होते हैं जिनके ऊपर आगे चलकर इन्होंने वो किताब लिखी। उसी के बारे में बहुत सारी बातें दोस्तों मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी किताब आपको कहां पर भी मिल सकती है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन इसको खरीद भी सकते हैं। मैं किताब को पढ़ने के बाद में जो भी कोई चीजें मैंने समझी है अपने बुद्धि के द्वारा, मैं उन सभी बातों को आपके साथ में पेश करने की कोशिश करूंगा मेरे नॉलेज के द्वारा। अब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों इसमें से बहुत सारी बातें आपको पता हो, लेकिन जब कभी आप ये पूरी की पूरी समरीज मेरे द्वारा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए भी कॉमन है, हमें पता तो है लेकिन कभी भी हम इस पर कोई एक्शन वाला स्टेप नहीं उठाते। तो दोस्तों आज समय है कि जहां पर हमें एक्शन वाला स्टेप उठाना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, पांच ऐसे पछतावों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हर किसी इंसान में कॉमन होते हैं। अगर हम इन पछतावों के बारे में अगर जान लेंगे दोस्तों तो हमें भी हमारे जिंदगी में कभी भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर वन, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती बिना किसी इंसान की या बिना किसी लोगों के परवाह किए बगैर। थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो भी कोई जिंदगी जी रहे हैं, हम एक बार हमेशा बताई जाती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर बार हम लोग अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाते, हम हमेशा विचार करते रहते या तो सोच में पड़े रहते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, जिसके चलते हम अपनी खुद की ही जिंदगी जी नहीं पाते। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, महाभारत का हम लोग कैरेक्टर लेते हैं, थोड़ा सोच कर देखिए कि अगर भीम से कोई कहता कि तुम गधा युद्ध की जगह और धनुर्विद्या सीखो तो क्या होता दोस्तों, क्या वो अच्छे धनुर्धारी बन पाते। अगर अर्जुन से कोई कहता कि धनुर्धारी की जगह तुम लोग गधा युद्ध सीखो तो वो अच्छे कभी भी धनुर्धारी नहीं बन पाते। सिंपल सी बात है दोस्तों, हर एक इंसान का अपना खुद का प्रोफेशन वो चूज कर सकता है, हर किसी इंसान का अपना कोई स्किल होता है। तो आपके बच्चे अगर किसी भी स्किल में अच्छे हैं तो उसे एज अ करियर उसको सिलेक्ट करने दीजिए दोस्तों। एज अ ट्रेनर दोस्तों मैंने देखा है बच्चों के सपने कुछ और होते हैं, लेकिन मम्मी पापा के सपना पूरा करते हुए दोस्तों ज्यादातर बच्चे जीते हैं। मतलब जिस चीज में उन्हें कोई खुशी आ ही नहीं रही है वो किसी ऐसे प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं, और ये बात आप दुनिया के किसी भी फील्ड में डालकर देख सकते हैं दोस्तों। ज्यादातर बार आज बच्चे भी जो भी कोई चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये सब करने से उन्हें एंड में खुशी मिलने वाली है, क्योंकि ये सपना उनका खुद का सपना नहीं है, वो किसी और का सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आप चाहे डॉक्टर बनना चाहे, आप इंजीनियर बनना चाहे, आप
आर्किटेक्ट बनना चाहे या दुनिया की किसी भी प्रोफेशन में आप जो चाहे जो भी कोई चीज आप बनना चाहे, लेकिन अगर वो सपना किसी और का है तो क्या होगा दोस्तों, आप वो इंसान तो बन जाएंगे लेकिन वहां पर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सोच करके देखिए, जिस भी फील्ड में आज आप काम कर रहे हो, चाहे हो सकता है वो आपका सपना नहीं हो, जो भी कोई फील्ड आपने सिलेक्ट करी है उसमें हो सकता है आपके मम्मी पापा आपको बोल रहे हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप आज अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ा सोच कर देखिए भविष्य में जाकर आप जो भी कोई एक इंसान बनना चाहते हो, यू नो सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, या तो पढ़ाई की किसी डिग्री को लेकर आप जहां पर कहां पर भी जॉब करने जाओगे, मेरा एक सवाल है कि आप खुशी से अपना काम कर पाओगे। और यही दोस्तों सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग वो काम कर ही नहीं रहे हैं जो वो दिल से चाहते हैं, बल्कि वो काम कर रहे हैं जिसमें उनको पैसा तो मिल रहा है लेकिन वो काम ही करना उनको पसंद नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी सफल इंसान को देखकर वो सोचते हैं कि मुझे भी वो सफल इंसान बनना है। हेलो, थोड़ा सोच कर देखिए, वो जो भी कोई इंसान है, वो जिस भी किसी फील्ड में या जिस किसी करियर में वो इंसान एक्सपर्ट है, उसने काफी सारा समय दिया है, वो काम उसको करने में मजा आता है। एज ए ट्रेनर दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक की मास्टर डिग्री है, लेकिन मैं केवल प्रोजेक्ट्स वगैरह के काम लेता हूं, उसके अलावा ट्रेनिंग मेरा पैशन है, मुझे बहुत मजा आता है। यहाँ पर पैसा मिले या ना मिले, मुझे अच्छा लगता है हर सुबह लोगों को ट्रेनिंग देना, इसलिए मैं वो फील्ड में हूँ। सेम टाइम मैं वही बात आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, लोगों के डर से हमें ऐसी जिंदगी कभी भी नहीं जीना जिसमें हमें कभी पछतावा करना पड़े कि लोगों के बारे में सोचते सोचते मैं अपनी ही जिंदगी नहीं जी पाया। और जब ये बात मैं आपको बता रहा हूं, तो जितने भी मम्मी पापा या पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्पेशली मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से थोड़ा सा शांति से बैठिए, उनसे पूछिए कि बेटा आप कौन से फील्ड में करियर करना चाहते हो। जरूरी नहीं है दोस्तों कि डॉक्टर हो या लॉयर हो या इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, इनके अलावा कोई फील्ड नहीं होती, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जहां पर आप इनसे ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा पैसे को हम लोग छोड़ देते हैं, यहां पर एक ही बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो बात है दोस्तों, हमें जब हम लोग सुबह उठे तो हमें एक एनर्जी लगनी चाहिए कि आज मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मैं जिस भी किसी फील्ड में हूं आपको मजा आना चाहिए, यू नो मजा आना चाहिए। ज्यादातर लोग की दिन की शुरुआत होती है ना, तो उनको अपना काम ही बोर लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, संडे ढूंढते रहते हैं कि कब हमें छुट्टी का दिन मिले और हम लोग इंजॉय करें। हेलो, थोड़ा सोच कर देखिए, आप किसी किसी फील्ड में हो और अगर आपको लगता है कि संडे आएगा और मैं इंजॉय करूंगा, तो वो आपका फील्ड ही नहीं है, वो आपका करियर ही नहीं है। आपको तो चाहे दिन कोई भी हो, दिन की शुरुआत हो, तो आपको मजा आना चाहिए, वो हमारा करियर होता है दोस्तों। और इन सब के अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके चलते हम लोग इंजॉय ही नहीं कर पाते। ज्यादातर बार हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं परिवार के लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, मैं कोई करियर में आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरा कोई खुद का प्रोफेशन है जो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजू बाजू वाले लोगों को पता चल जाएगा तो मेरे बारे में क्या बोलेंगे। हेलो दोस्तों, थोड़ा सोच कर देखिए, जिन राइटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिस किताब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि पांच ऐसे पछतावे जो हर किसी इंसान को मरते समय पे होते हैं, उसमें जो राइटर है जिनका नाम है ब्राउनी वायर, उन्होंने बताया है कि ज्यादातर लोग जो अपने बेड पे पड़े हुए थे, आज वो सोच रहे हैं कि सारी जिंदगी हम लोग सोचते रहे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और हमें देखने भी कोई नहीं आ रहा, मतलब लोगों के पास में समय ही नहीं है दोस्तों हमारे बारे में सोचने के लिए, हम ही बेवकूफ थे, सारी जिंदगी लोगों के बारे में सोचते रहे। तो दोस्तों, नाउ इट इज अ टाइम कि हमें अभी अपने आप के बारे में सोचना है, जो आपको अच्छा लगे वो हम लोगों को करना है, लोग हमारे बारे में चाहे कुछ भी कहे, हमें वो करना है दोस्तों जिसमें हमें मजा आए, जिसके चलते दोस्तों मरते वक्त हमको अफसोस ना करना पड़े कि मैं अपनी जिंदगी इससे भी बेहतर जी सकता था लेकिन नहीं जी पाया, जो कि सोक्रेटिस ने हम लोगों को बताया था, राइट दोस्तों। तो पहले पछतावा के बारे में हम लोगों ने भी जाना, अभी हम लोग जानते हैं सेकंड पछतावा या तो सेकंड रिग्रेट क्या होता है। इस किताब में दूसरे रिग्रेट के बारे में जो बताया गया है दोस्तों, वो बात है दोस्तों, काश मैंने इतना काम या तो फिर इतनी मेहनत नहीं की होती। अब दोस्तों ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे, तो क्या सर ज्यादा हार्डवर्क करना अच्छी बात नहीं है? नहीं दोस्तों, हमें पूरी तरीके से इस कांसेप्ट को समझना है। ऑथर का कहना है कि काश मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की होती, इसका मतलब है दोस्तों ज्यादातर बार हम लोग केवल मेहनत करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं हम कौन से डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर ही हमारा ध्यान नहीं होता। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, आज आप जो भी कोई मेहनत कर रहे हो, मेहनत किसके लिए हम लोग करते हैं दोस्तों? परिवार के लिए करते हैं। हमारे परिवार में हमारे मम्मी है, पापा है, हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, क्या हम क्वालिटी टाइम उनके साथ में स्पेंड करते हैं? क्या हम बैठकर जो भी कोई समस्या है उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं? कई बार हम केवल सिर्फ मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत से जो भी कोई आउटपुट आने वाला है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हम लोगों को हार्डवर्क तो करना है लेकिन हार्डवर्क के साथ में हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है हमें सही दिशा में मेहनत करना है। और सही दिशा क्या है दोस्तों? हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं क्या वो लोग हमारे साथ में खुश है?
क्या हम उन्हें थोड़ा समय दे रहे हैं? इन बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग इतनी ज्यादा अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं लेकिन उसका परिणाम या तो उसका रिजल्ट वो खुद कभी ले ही नहीं पाते। मेहनत करके आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने बहुत सारा पैसा तो कमा लिया लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज करने की जब बारी आती है तो उनके पास में ही समय नहीं होता, या तो वो बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके पास में अपने ना केवल परिवार के लिए समय होता है, वो समय भी अगर देना चाहे तो प्रकृति या कुदरत उनसे वो समय नहीं ले पाएगी दोस्तों, या आप समय नहीं दे पाओगे क्योंकि अभी आपके पास में शरीर ही नहीं है। और अच्छा, शरीर अगर आपके पास में नहीं है तो थोड़ा सोच करके देखिए कि आप टहल पाएंगे, क्या प्रकृति की वादियों में घूम पाएंगे? नहीं ना दोस्तों। यहां पर मेहनत का इतना ही मतलब है दोस्तों, जिन भी लोगों के साथ में हम लोग रहते हैं क्या उनके साथ में हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं? जब भी कभी हम लोग ऑफिस से आते हैं तो ऑफिस से आने के बाद में क्या हम शांति से सभी लोगों के साथ में बैठ रहे हैं? उनके साथ में क्या कोई चर्चा हो रही है? घर में जो भी कोई हमारी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या हम लोग बैठ के निकाल रहे हैं? हो सकता है हर चीज के लिए हमारे पास में फोन तो हो लेकिन फिर भी हमारे घर में क्या चल रहा है वही बातें हम लोगों को नहीं पता हो। जब भी हम लोग घर पे आते हैं तो सब लोग वो फोन पे बैठे हुए होते हैं लेकिन हमारे पास में इतना भी समय नहीं है कि किससे पूछने का कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। आज के समय में दोस्तों हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हालचाल पूछने का भी समय हमारे पास में नहीं है। हो सकता है कि आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा हो लेकिन रियल लाइफ में आपका ख्याल करने वाले कितने हैं? वास्तविकता अगर देखी जाए दोस्तों तो आज के दौर में ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं। जैसे कि जब भी हम लोग घर पे आते हैं तो हमारे मम्मी पापा चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम उनसे बात करें लेकिन हम कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं। हम हमारे रूम में चले जाते हैं और वो फोन पर हम लोग व्हाट्सएप या तो फेसबुक पर हम लोग चैटिंग, मैसेंजर पर हम लोग चैटिंग वगैरह करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, आज के दौर में हमारे लिए हो सकता है कि मोबाइल एक बड़ा टूल है लेकिन जो भी कोई बुजुर्ग इंसान हमारे साथ में रहते हैं उनको तो वो फोन वगैरह ऑपरेट करना, टेक्नोलॉजी उनको नहीं पता, तो उनके लिए एक क्वालिटी टाइम वही होता है जब हम एक दूसरे से बातचीत करें। तो दोस्तों ऑथर को हमारे सेकंड पॉइंट में इतना ही कहना है कि काश मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने से बेहतर होता कि मैं अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाता, उनको भी थोड़ा समय दे पाता तो ज्यादा बेहतर होता। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर। तीसरे पॉइंट में ऑथर हमसे कहते हैं कि काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी फीलिंग लोगों के साथ में एक्सप्रेस कर पाता। अब यहां पर लोगों का मतलब दोस्तों परिवार भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकता है या समाज भी हो सकता है। अब जहां पर बात आती है फीलिंग एक्सप्रेस करने की तो ज्यादातर लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात कर रहे हैं कि हमें हमारी फीलिंग उनके साथ में एक्सप्रेस करनी है, कोई भी चीज अंदर दबा के नहीं रखनी। दोस्तों इस बात का दायरा इतना सीमित नहीं है, इस बात का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है हम हमारे मम्मी पापा से कोई बात कहना चाहते हैं, हम उनको दिल से कहना चाहते हैं कि मम्मी पापा आप हमारे सबसे बेस्ट मम्मी पापा हो। मम्मी पापा भी अपने बच्चों से कहना चाहते हैं कि बच्चों आप हमारे सबसे बेस्ट बच्चे हो लेकिन हम लोग कह नहीं पाते, उतनी हिम्मत हम लोग नहीं जुटा पाते, जिसका रिग्रेट कई बार हमारे दिल में होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है हम हमारे भाई से, हमारे बहन से, हमारे गुरु से भी हम लोग कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। या कई बार ऐसा भी होता होगा कोई इंसान होगा जिसने कभी आपका दिल दुखाया होगा, जिसने कभी आपको बुरा या भला कुछ कहा होगा, हम पश्चाताप के रूप में उनसे माफी मांगना चाहते होंगे लेकिन हम लोग हिम्मत जुटा कर भी ऐसा नहीं कर पाते, ये भी रिग्रेट ज्यादातर लोगों को होता है। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं? आज के दौर में हमारे पास में फोन है, आप अगर उनसे बात कर सको तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे सीधे ही बात करो। अगर आप उनसे बात नहीं कर पाते तो आप उनको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट में भी उनको मैसेज भेजिए, बोलना चाहे तो बोल सकते हो, किसी दोस्त के द्वारा भी आप उनको मैसेज भेज सकते हो। दोस्तों काफी सारे लोग कहेंगे कि क्या सर ऐसा करना जरूरी है? हाँ जरूरी है दोस्तों, अगर आपको लगे कि शांति से आपको रात को नींद आए तो ये सारी चीजें करना जरूरी है, अदरवाइज जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सोच कर देखो, माफी मांगना आसान नहीं होता दोस्तों, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अपनी गलती स्वीकार कर किसी के सामने उसको हम लोग एक्सेप्ट करें कि मुझसे गलती हुई थी करके। और थोड़ा सोच करके देखो दोस्तों, जब कभी भी आप किसी को थैंक यू कहेंगे ना, अपने परिवार में आप मम्मी को थैंक यू कहेंगे कि मम्मी आपने बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आप अपने वाइफ से कभी कहोगे कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है उसके लिए दिल से धन्यवाद, तुमने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है उसके लिए दिल से धन्यवाद, जब आप अपने बच्चों को कहोगे कि बेटा आप हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपके बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा दिल से। और जब उन्हें अच्छा लगेगा ना तो वो और ज्यादा ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि आपका वो खुशनुमा एहसास और ज्यादा बना रहे। अब ज्यादातर लोग एक चीज पूछ ही सकते हैं कि सर ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है, उनको तो पता ही है कि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारी वाइफ है या वो हमारे हस्बैंड है या वो हमारे दोस्त है। हेलो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है जो हमें समझना जरूरी है, हर कोई इंसान महत्व पाना चाहता है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर नीचे गिर जाता है ना तो वो सबसे पहले कंधा ढूंढता है, वो पहले आजू बाजू देखता है, अगर कोई इंसान है तो वो रोएगा,
राइट, वो उठेगा नहीं, वो पहले रोएगा। अगर कोई नहीं है तो वो क्या करेगा दोस्तों, खुद होके उठ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास में लोग हैं तो हम लोग महत्व पाना चाहते हैं, वैसे ही किसी छोटा बच्चा भी वही हरकत करता है। तो सेम इस बात को हम लोगों को समझना है, हर कोई इंसान महत्व पाना चाहता है, तो हमें क्या करना है, जहां कहां पर भी आपको लगता है कि आपको किसी को दिल से थैंक यू कहने की आवश्यकता है, दिल से किसी को सॉरी बोलने की आवश्यकता है, आज ही बोलिए। हमें नहीं पता दोस्तों, प्रकृति, कुदरत या ईश्वर हमें भविष्य में समय दे ही ना और हमारे मन में ये पछतावा रह जाए। तो हिम्मत जुटाकर कोशिश करिए, आज का दिन आपके पास में है। जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना फोन उठाइए, मे बी पॉसिबल है फोन पर बात कर सकते हो तो बात करिए, यू नो टेक्स्ट कर सकते हो तो टेक्स्ट करिए, उनको दिल से सॉरी बोलिए। अगर आपसे किसी का दिल दुखा है तो, अगर आपको लगता है कि किसी इंसान ने आपकी हमेशा बहुत ज्यादा मदद करी है, आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए था लेकिन आपने उसको कभी नहीं बोला, तो बोलिए दोस्तों। कृतज्ञता का भाव रखना अपने आप में प्रकृति का एक बहुत बड़ा भाव है दोस्तों। थोड़ा सोचकर देखिए, प्रकृति हमेशा देने में विश्वास करती है, और आप भी अगर किसी को कोई चीज दोगे, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो भलाई हो, चाहे वो किसी पे दया हो, तो यू नो आपके और रिफ्लेक्ट होकर, मल्टीप्लाइड होकर कई गुना प्यार, सद्भावना, हर एक चीज आपके पास में आएगी ही आएगी दोस्तों। तो इस बात को भी हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ज्यादातर लोगों को लगे कि सर ये सब करने में हमें ना बहुत ज्यादा शर्म आती है, हम ऐसे कैसे करें। तो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बताया है दोस्तों, दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, यू नो कोई टेक्स्ट मैसेज बनाना है, कोई चिट्ठी आप उनको लिख के दे सकते हो। बस मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, एक बार करके तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा दोस्तों। मैं कई बार ऐसा करता हूं, मैं अपने मम्मी से, अपने पापा से, मेरी सिस्टर है, मैं उनको दिल से कई बार थैंक यू बोलता हूं, पापा को कई बार मैं गले लगाता हूं, मम्मी को कई बार मैं गले लगाता हूं, और ऐसा करते हुए मुझे बहुत अच्छा फील होता है दोस्तों। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक बार करके देखिए दोस्तों, यकीन मानिए आपके चेहरे की मुस्कुराहट अगर कई गुना मल्टीप्लाई अगर ना हो जाए आपके परिवार के साथ में, तो कहना। अब चलिए दोस्तों, हम हमारे फोर्थ पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, जो कि है, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रह पाता, उनके साथ में मैं अपनी जिंदगी का क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाता। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी का एक ऐसा सफर जहां से हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं और आज हमारी उम्र जो भी हो, एक ऐसा समय है दोस्तों जहां पर बहुत जरूरी होता है, हमारी जिंदगी में जो भी कोई चीजें हो रही हैं हम किसी के तो साथ में वो सारी की सारी चीजें यू नो डिस्कस करते हैं, उनके साथ में रहते हैं। और ये कौन है दोस्तों, ये हमारी दोस्ती है जिनके साथ में कदम दर कदम मिलाते हुए हम लोग सफलता की सीढ़ी आगे चढ़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और हमारे दोस्त भी हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन ऐसे भी कारण हो सकते हैं कि समय के चलते, काम के चलते, हो सकता है आपके दोस्त किसी अलग गांव में हो या वो किसी अलग शहर में हो, जिसके चलते काफी लंबे अरसे से या काफी लंबे समय से हम उनके कांटेक्ट में ही नहीं रहे हो। थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम हमारे दोस्त के साथ में होते हैं तो हमारा यू नो क्या होता है, हमारा दुख कम होता है। चाहे हम किसी स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोगों को चाहिए। थोड़ा सोच करके देखिए, जब हम छोटे थे अपने दोस्तों के साथ में सभी चीजें हम लोग डिस्कस करते थे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन आज हम लोग इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं, या तो फिर काम के होड़ में, पैसे कमाने के यू नो होड़ में, हम लोग हमारे दोस्तों को ही भूल गए हैं। मैं खुद का अपना एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों, मैं चाहे कितना भी ज्यादा बिजी क्यों ना हो, मेरा टीम है टीम भारतवर्ष, जिसमें मेरे पास में मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरे करीब जो दोस्त है जिनके पास में मैं हमेशा रह सकता हूँ, जो मेरा टीम है टीम भारतवर्ष, चाहे मैं कितना भी ज्यादा व्यस्त क्यों ना हो, शाम में मैं पूरी कोशिश करता हूँ, शाम या तो फिर रात में हम सभी लोग साथ में बैठ पाए, हम लोग साथ में घूम पाए या तो फिर टहल पाए। अभी दोस्तों मेरे बिजी शेड्यूल के कारण मैं सुबह थोड़ा मॉर्निंग में क्या करता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ, या तो फिर हो सकता हूँ मैं प्राणायाम ज्यादातर करता हूँ, और शाम का समय हम, मैं और मेरा पूरा का पूरा टीम भारतवर्ष, हम लोग जिम में जाते हैं, और आफ्टर दैट जिम मैं और मेरा टीम, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ डिस्कस वहां पर होना चाहिए, यू नो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, भविष्य में हम लोगों को क्या कुछ काम करना है। मेरे जितने भी कोई दोस्त है, हम हमेशा कोशिश करते हैं दोस्तों कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम लोग सब लोग बैठ के लेते हैं। जैसे कि मेरे जितने भी कोई दोस्त है, हो सकता है कि वो उम्र में मुझसे 10-12 साल बड़े हो, लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना जो भी कोई प्रॉब्लम उनके सामने रखता हूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग हमारे टीम के सामने रखते हैं, हम सभी लोग उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। और इन सबके अलावा भविष्य में, इन फ्यूचर, हमारे टीम को, मतलब टीम भारतवर्ष या तो फिर टीम शक्ति वर्ल्ड, हम लोगों को जो भी कोई काम करना है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका भी एक ग्राफ बनाते हैं कि हम लोगों को सिस्टमैटिकली कैसे काम करना है। और दोस्तों इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। अभी अगर एक और बात मुझे यही बताना पड़े तो बिल्कुल पिछले संडे मेरा प्रोग्राम हुआ था दोस्तों चिखलदरा। अब जहां पर भी मेरा प्रोग्राम होता है मैं अपनी टीम को लेके ही जाता हूँ, और मेरे दोस्त भी होते हैं, तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने साथ में अपने दोस्तों को लेकर जाऊँ।
सिंपल सी बात है, जो भी कोई स्पॉन्सर होते हैं उनको मेरे लिए कोई ना कोई गाड़ी तो भेजनी ही पड़ती है। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि मैं और मेरे साथ मेरे 3 से 4 मेरे टीम मेंबर्स आने वाले हैं, और मेरे टीम मेंबर्स कोई और नहीं दोस्तों, मेरे दोस्त होते हैं। हम लोग साथ में रहते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, यू नो नॉलेज के ऊपर भी काम करते हैं, पैसा तो कमा ही रहे हैं लेकिन पैसे के साथ में दोस्तों नॉलेज के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम लोग दोस्तों प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, यू नो स्पिरिचुअलिटी हो, यू नो जिंदगी का जो अंतिम लक्ष्य है उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पॉइंट में हम लोग क्या सीख सकते हैं दोस्तों, हमें हमारे दोस्तों के संपर्क में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं अगर एक और एग्जांपल मुझे बताना पड़े, यू नो तकरीबन 3 से 4 महीने पहले मेरे छोटी बहन की शादी हुई है। मेरे छोटी बहन की शादी में जितना मैंने मेहनत किया है, हो सकता है मेरे से कई गुना ज्यादा मेहनत मेरे दोस्तों ने की थी। मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि एक्चुअली कौन कौन से काम किस किस समय पे करने हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त थे उन्हें ही पता था कि कौन सा काम करना है। उन पे हर एक इंसान पे हमने कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दी थी, और वो मेरे जो भी कोई दोस्त थे दोस्तों, वो सभी की सभी जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे। मैं हमेशा अपने दोस्तों को दिल से थैंक यू कहता हूं कि भगवान ने मुझे मेरे जिंदगी में सबसे बेस्ट दोस्त दिए हैं, और क्योंकि दोस्त मेरे जिंदगी में है, मैंने देखा है दोस्तों मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। हम लोग चाहे कितना भी बड़े कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुझे पता है मेरे साथ मेरे दोस्त है, वो कभी भी मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो बड़े से बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, उसको भी आप लोग झेल पाते हो, उसको भी आप लोग सहन कर सकते हो। यू नो एक बहुत बड़ी ताकत आपको मिलते हैं कि आपके दोस्त आपके साथ में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, चलो मेरे पास मेरे दोस्त है, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन पर मैं फोन से भी बात करता हूं अक्रॉस इंडिया जो भी कोई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके दोस्त अगर आपके साथ में हो किसी भी बात को लेकर, अगर आपका अनबन हुआ है तो दोस्तों उसको आज ही तोड़ दीजिए। ऐसा क्यों हो दोस्तों, हम किसी बात के कारण, किसी कारण के कारण या किसी छोटे से दुविधा के कारण अपने दिमाग को खराब करके बैठे, किसी शंका को अपने दिमाग में लेकर बैठे और अपने दोस्तों को हम लोग दूर कर दें। हमारे पास में फिर से वही बात, फोन है दोस्तों। आज के दौर में तो हमारे पास में व्हाट्सएप है, आज के दौर में फेसबुक भी है। आपके जो भी कोई दोस्त है जिनको आप सॉरी या थैंक यू बोलना चाहते हो या जिनसे बात करना चाहते हो, फेसबुक पर आप उनका नाम डालिए, उनका आपको प्रोफाइल मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैसेंजर के द्वारा संपर्क में रहिए दोस्तों। हमारी जिंदगी जो है ना दोस्तों, एक ट्रैवलिंग है, हम एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमें अपनी मंजिल तय करनी है। अब इस मंजिल को तय करते हुए जो भी कोई लोग हमारे गाड़ी में हमारे साथ में बैठे हुए ना, हमें उन सबके साथ में प्यार से बातचीत करते हुए उनके साथ में ही आगे बढ़ते रहना है। वो आपके दोस्त ही है दोस्तों, जो आपके हर एक समस्या का समाधान है। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने सीखा है कि हमें हमारे दोस्तों के संपर्क में रहना है, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आप अपने करियर को लेकर भी अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। अपनी जिंदगी को दोस्तों एंजॉय करिए, खुशी से जिए दोस्तों, क्योंकि जिंदगी जीने के मौके बार बार नहीं मिलते दोस्तों। प्रकृति ने, कुदरत ने, भगवान ने हमें मौका दिया है इस जिंदगी का, तो इसे क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ में खुलकर जिए। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे 5th और सबसे लास्ट पॉइंट, जो कि है काश मैंने अपने आप को हमेशा खुश रहने दिया होता। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं समझ पाते, जो कि बात है काश मैंने अपने आप को हमेशा खुश रहने दिया होता। थोड़ा सोच करके देखिए, क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा इंसान आपको दुख दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हम ही वो इंसान है जो अपने आप को खुश कर सकते हैं, और हम ही वो इंसान है जो अपने आप को हमेशा दुखी बना के रख सकते हैं। जब कभी भी हम लोग दुख वाले इमोशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या तो पास में आपके साथ में जब भी कोई चीज खराब हुई है, जो अच्छी नहीं हुई है, उसको ही अगर हम लोग याद करके चलेंगे तो क्या होगा, हम लोग डिप्रेशन में ही चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हमें हर मोड पर खुश रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास में ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हुई है उसको हम लोग अगर याद करेंगे तो हम लोग एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ला सकते हैं। इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके पास में जो भी कोई बुरी चीजें हुई है, ज्यादातर बार हम लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास में ये चीज होती, काश मेरे पास में ऐसा घर होता, काश मेरे पास में अच्छी कार होती, काश मेरे पास में अच्छा दोस्त होता, काश उस लड़की ने या उस लड़के ने मुझे धोखा दिया नहीं होता, काश मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता, काश मेरे अच्छे टीचर हो पाते, काश मेरा परिवार अच्छा होता, काश काश काश। अगर दोस्तों आप काश पर ही फोकस करोगे तो आपकी पूरी जिंदगी अवकाश में ही बीत जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, काश के बगैर हमको फोकस करना पड़ेगा जो चीज हम लोगों को मिली है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीजें आपको जीवन भर खुशी दे पाए। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारे बंगले हैं, आपके पास में गाड़ियां हैं, तो वो चीजें अंतिम समय तक आपको खुशी दे पाए। खुशी आपको वो चीज दे पाएंगी जिसमें आपको अच्छा महसूस होता है। आपको अपने दोस्तों के साथ में अच्छा महसूस होता है तो वो चीज आपको खुशी दे सकती है। आपको प्रकृति के साथ में रहना अच्छा लगता है तो वो चीजें आपको खुशी दे सकती है। आपको पेड़ पौधे देखना, पर्वतों को देखना, झरनों को देखना, नदियों को देखना, तालाब समंदर को देखना, उन्हें देखकर अगर आपको खुशी महसूस होती है तो याद रखिए दोस्तों वो चीजें आपको खुशी दे रही है।
उन्हीं चीजों के साथ में हमें ज्यादा से ज्यादा रहना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें हमारे पास में है उस पर फोकस ना करते हुए जो चीज भविष्य में हमें चाहिए या तो वो चीजें किसी और के पास में है उसको देखकर या तो हम लोग दुखी हो जाते हैं या उन चीजों को पाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, थोड़ा सोचकर देखिए, जो चीज आपके पास में है ही नहीं उसे पाकर अगर आपको लगता है कि आप खुश हो जाएंगे तो ये एक हमारा मिथक है या तो ये चीज हमारा भ्रम है। सिंपल सी बात है, भगवान ने, ईश्वर ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, हम लोग भगवान को थैंक यू तो बोल सकते हैं ना कि भगवान आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है। कितने ही लोग ऐसे दुनिया में हैं जो कि अपाइच है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें आंखें नहीं है। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी अच्छी आंखें दी कि हम लोग दुनिया को देख सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, छोटी छोटी चीजों पर भगवान को थैंक यू बोलना सीखिए, अदरवाइज क्या होगा बताएं, हम हमारे जिंदगी में केवल कंप्लेन ही करते रहेंगे। देखिए हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान से कंप्लेन करते हैं, क्या कंप्लेन करते हैं कि भगवान आपने हमें ये चीज नहीं दी। उसके बजाय दोस्तों इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करके देखिए, आप भगवान को कभी कह के तो देखिए कि भगवान आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, भगवान आपने हमें इतने अच्छे काले बाल दिए। थोड़ा सोच कर देखिए, जब आप सोचेंगे और भगवान से जिस वक्त आप कहेंगे कि भगवान आपने हमें काले बाल दिए, ये कैसी बात है। लेकिन थोड़ा सोच कर ये देखिए, कितने सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें यू नो बाल ही नहीं है, जो बाल के लिए अलग अलग थेरेपीज अपना रहे हैं, बहुत सारा पैसा बाहर है लेकिन फिर भी उनके पास में बाल नहीं है। लेकिन आपके पास में अच्छे बाल है, यू नो हमें अच्छे से सुनाई भी देता है, हम अच्छे से बोल पाते हैं, भगवान ने हमें आंख भी दी है। जो चीज हमारे पास में है सबसे पहले उसके लिए भगवान को दोस्तों थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। थैंकफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड का होना। जब भी कभी हम लोग प्रकृति को, कुदरत को थैंक यू बोलते हैं तो प्रकृति कुदरत आप देखेंगे दोस्तों आपकी खुशनुमा एहसास को बनाए ही बनाए रखेगी। आप देखेंगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपकी जिंदगी यू नो बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा हसीन हो जाएगी। इसके बगैर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यू नो जो नहीं है ना उसके ऊपर हमेशा फोकस करते हैं। जैसे कि अगर हमारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते तो हम कुछ ऐसा करते, अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं कुछ ऐसा करता, अगर मुझे अच्छे मम्मी पापा या अच्छे टीचर मिल जाते तो मैं एजुकेशन फील्ड में कुछ यू नो धमाका करके देता। हेलो, जो आपके पास में दिया है दोस्तों भगवान ने पर्याप्त दिया है, सबसे पहले उसको यूटिलाइज करना सीखो। अगर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो दोस्तों तो प्रकृति कुदरत आपको और भी ज्यादा देगी। तो आज हम लोगों को एक बात अपनी तरफ से सीखना है दोस्तों, छोटी छोटी चीजों में भगवान को हम लोगों को थैंक यू बोलना सीखना है। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें खुशी कब मिलती है और कैसे मिलती है। देखो, लोगों की मदद करने से हम लोगों को खुशी मिल सकती है, किसी पे दया भाव से आप किसी को कुछ वोट ऑफ गिफ्ट के रूप में किसी को कुछ दो उससे हम लोगों को खुशी मिलती है, किसी के लिए काम करने से हम लोगों को खुशी मिलती है, किसी के चेहरे पर यू नो मुस्कुराहट लाने से भी हम लोगों को खुशी मिलती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, हो सकता है किसी को समय देकर भी आप खुशी ले सकते हो। यू नो आपके घर में आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, यू नो जानवर होते हैं, कोई छोटा सा पप्पी है, कुत्ता है, उसको हम लोग प्यार से यू नो उसके सिर पे हाथ घुमा दे तो उसको भी अच्छा लगता है। मतलब याद रखिए दोस्तों, हर एक इंसान चाहता है कि हम उससे बात करें, प्यार से व्यवहार करें। जिस तरीके का व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं दोस्तों, वही व्यवहार हमको सब लोगों से करना है, जिससे कि हमें और ज्यादा खुशी मिलेगी। क्या आपने कभी सुना है दोस्तों किसी मरते हुए इंसान ने ऐसा कहा हो कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मरता हुआ इंसान किसी भी मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए या मटेरियलिस्टिक चीज की डिमांड कभी भी नहीं करेगा। वो जरूर ऐसा कह सकता है कि जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे मैं उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाया, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। मेरे परिवार में कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी भर तक मेरी मदद की लेकिन मैं दिल से भी उनको कभी धन्यवाद नहीं बोल पाया, ये बात हमेशा हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे जिंदगी ही क्यों जिए जिसमें हम लोगों को पछतावा करना पड़े। मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों कि चलिए मान लेते हैं कि आज जो भी कोई हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा सोच कर देखिए, अगर आज का दिन भगवान ने आपको दिया है और आज का दिन आपके जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आज आप क्या कमाएंगे? मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान का जवाब होगा कि हम लोग पैसा कमाएंगे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कहेगा कि मैं पैसा कमाऊंगा। थोड़ा सोच कर देखिए, आज का दिन आपके जिंदगी का आखिरी दिन है। आपको पता है कि कल सुबह आप उठने वाले नहीं हो, रात को आप सोए ही रह जाओगे, तो आपको क्या कमाना जरूरी है? ज्यादातर लोग दोस्तों यहां पर एक ही बात के बारे में सोचेंगे, मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूंगा, मम्मी पापा को गले लगाना चाहूंगा। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो वाइफ को अच्छा बोलना चाहेंगे, उनको गले लगाना चाहेंगे, बच्चों को गले लगाना चाहेंगे। कोई दोस्त होंगे जिनके साथ में हम लोगों ने खराब व्यवहार किया था, उनको हम लोग दिल से सॉरी या तो फिर थैंक यू बोलना चाहेंगे। मतलब दिल में जो भी कोई बसी हुई बातें हैं उनको हम लोग पूरा करना चाहेंगे। थोड़ा सोच कर देखिए, हमारा जिंदगी का आखिरी दिन आए तब हम इस बात को पूरा करें तो उससे बेहतर है। दोस्तों आज हमें ये वीडियो मिला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके दिल में कोई भी बात हो, कोई दर्द हो, किसी से कोई बात करनी हो,
छोड़ो सारी बातें दोस्तों, अपना फोन उठाइए, वो आपके इर्द गिर्द करीब हो तो उनसे जाकर बात करिए, अपने दिल की बात उनको बोल दीजिए। देखिए आपको दोस्तों बहुत हल्का लगेगा। ऐसा क्यों हो दोस्तों मरते वक्त हम हमारे सीने पर कोई बोझ लेकर जाए, उससे बेहतर है दोस्तों कि हमारे दिल में जो भी कोई बात है ना उसको कह दीजिए दोस्तों। क्योंकि मुझको पता है भगवान ने अगर मेरे जिंदगी का ये आखिरी दिन मुझे आज का दिया है तो रात को सोते वक्त चाहे मुझे पता है कि मैं सुबह उठने वाला नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं शांति से और अच्छे ढंग से सो पाऊं, जिससे मुझे कोई भी अपने मन में कोई गिलह ना हो, कोई शिकवा ना हो कि मैं अच्छी जिंदगी जी नहीं पाया हूं। तो दोस्तों भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छी प्रकृति है दोस्तों, प्रकृति की सुंदरता बहुत ज्यादा कीमती है दोस्तों। इस प्रकृति को जाइए, इसको महसूस कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। बड़ी मुश्किल से दोस्तों ये मनुष्य जीवन हम लोगों को मिला है, तो क्यों ना हम इसका भरपूर फायदा उठाएं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में ज्यादातर लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। वही बात मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, चाहे मुस्कुराहट हो, चाहे प्यार हो, चाहे कोई अच्छी चीज या कोई वस्तु हो, जब कभी भी हम लोग अच्छाई शेयर करते हैं ना तो प्रकृति और कुदरत हमें रिफ्लेक्ट करके या हमारे पास में भी मल्टीप्लाइड होकर अच्छाई शेयर करती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऑथर ने इनमें जो भी कोई बातों को डिस्कस करने की कोशिश की है, मैंने अपने नॉलेज के द्वारा भी आपको बहुत सारी बताने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक आप जरूर करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इसको शेयर करिए। आप इस वीडियो को लाइक ना करेंगे ना तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को शेयर करिए। जिस माध्यम की वजह से या जिस कारण के लिए मैंने वीडियो बनाया है, मेरा वो कारण आपके शेयर करने से पूर्ण हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और जो भी कोई बातें हम लोगों ने सीखी है, याद रखिए दोस्तों नॉलेज Not use is a garbage। जो भी कोई ज्ञान हम लोग पाते हैं ना उसको हम लोग अगर इस्तेमाल नहीं करते, एक्शन स्टेप नहीं उठाते तो वो कचरा ही हमारे दिमाग में है। तो क्यों ना दोस्तों प्रकृति ने हमें एक मौका दिया है जहां पर हम किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी ही जिंदगी में हम लोगों को बदलाव लाना है। हम बदलेंगे, घर बदलेगा, घर बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा हमारा पूरा का पूरा देश बदलेगा दोस्तों। इन सभी बातों के साथ में दोस्तों मैं शक्तिराज अहिर आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, इसी आशा के साथ में कि किसी नए वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा और भी कोई बहुत सारी बातें हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।